फारसी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। भाई अर्तुरुल, हानली बाजार सिर्फ मेरी मिल्कियत है, नहीं बेचना मुझे। अपने कबीले के लिए फैसला खुद करता हूं मैं अर्तुरुल सरदार। तो फिर तुम्हारा वो फैसला मेरी तलवार के रहमो करम पर होगा बहादुर साहब। जिंदा वापस आने की खुशी मनानी चाहिए आपको, लेकिन मेरे फराइज को अपने गुस्से की भेंट ना चढ़ाएं तो बेहतर है। कल आखिरी बार जिरगे में मेरे मेहमान बने, वापस आ गया हूं, इसलिए आपके यहां होने का अब कोई जवाब नहीं है। अर्तुरुल, आखिर किस तरह तुम्हारे और उस गुलाम फरोश ताजिर के नरगे से भाग निकला? वो अकेला नहीं था जनाब, उसे बचाया गया है। बचाया गया है उसे? हानली बाजार आज भी काई की मिल्कियत है। उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि सरदार आला के सामने तलवार निकाले? अर्तुरुल भाई संजार की सजा का फैसला कल हानली बाजार में सरदारान के चिरगे में करेंगे। बहादुर साहब उसे तस्लीम नहीं करेंगे तुर्कुत, वो कुछ भी कर सकते हैं अपने बेटे के लिए। बाबा के खिलाफ और कबीले के खिलाफ वो किस तरह खड़े हुए थे आज भी याद है मुझे, और उन्हें अमीर सादतीन की हिमायत भी हासिल है। इतनी हिम्मत बढ़ गई है उनकी, कबीले के सरदारान को भी जिरगा बुलाने को कहा है। तुर्कुत, अब उनसे मुकाबला करना मेरे बस की बात नहीं रही। अर्तुरुल भाई ने जिरगा मौखर करने का कहा है, लेकिन सरदारान साथ हैं उनके, कैसे रोक पाऊंगी उन्हें मैं? उनसे कहिएगा कि अर्तुरुल सरदार का हुक्म है, बहादुर का पूरा कबीला आने से पहले कोई जिरगा मुनक्द नहीं हो सकता। अर्तुरुल साहब ने बिल्कुल ठीक सोचा है, अगर चावदार के दोनों गिरोहों को एक होना ही है तो बेहतर है कि दोनों गिरोहों के मुअज्जज़ीन मिलकर सरदार मुंतखब करें, इस तरह हमें मजीद वक्त भी मिल जाएगा। भाई ने कल आपको भी जिरगे में दावत दी है असलियान खातून। अर्तुरुल साहब की दावत मेरी सर आंखों पर, उन्हें जाकर ये बता दें कि असलियान खातून हार नहीं मानेंगी, ना ही मेरे जंगजू ना ही मेरा कबीला अर्तुरुल साहब के मकसद से पीछे हटेंगे कभी। ये सरदार अर्तुरुल से मेरा वादा है तुर्कुत, और उम्मीद है इसमें आप मेरा साथ देंगे। उम्र भर साथ दूंगा मैं, मेरी जिंदगी आपके लिए है असलियान खातून, ना वो ना उसकी औलाद कोई भी हमारे कबीले में फितना बर्पा नहीं कर पाएगा, बेफिक्र हो जाए आप।
मेरे बहादुर शेर, तुमसे दूर रहना मेरे लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी। चाहे दुनिया की सारी नेमतें मिल जाए मुझे, लेकिन औलाद का नेमुल बदल कुछ भी नहीं है। बाबा, मैं आपके साथ शिकार पे कब जाऊंगा? बहुत जल्द बेटा, बहुत जल्द। आइंदा हम हर जगह साथ जाएंगे। तुम्हारे और तुम्हारे भाई के पहले शिकार पर भी साथ होंगे, और दोनों की पहली जंग पर घोड़े भी साथ दौड़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपकी गैर मौजूदगी में भी साबित कदम रहा हमारा कुंदूस। इंतकाम की ख्वाहिश में सबसे आगे था ये शेर की तरह बहादुर, आपके मकसद के हुसूल में सबसे आगे। गुंदूस, भरोसा है मेरा और मेरा फख्र है। जब तक हमारे बच्चे हमारे मकसद के लिए कोशा हैं, तब तक हमारे मकसद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हलीमा, मेरे भाई दुंदार से और गाफिल सरदारान से ज्यादा हिम्मत रखने वाला है मेरा गुंदूस। गुंदूस बेटा, जाओ जाकर अक्तुल गिरी का ख्याल रखो। मुझे बाबा से बातें करनी है, मैं नहीं जाऊंगा। गुंदूस, एक जंगजू के लिए सिर्फ तलवार उठाना अहम नहीं होता। जाओ और जाकर अक्तुल गिरी का ख्याल रखो। जो अपने घोड़े का ख्याल नहीं रख सकता, वो जंगजू नहीं बन सकता। जो हुक्म सरदार। शाबाश, जाओ अब। मेरी जान कुर्बान। अर्तुरुल, दुंदार ने गलत फैसला किया था, मानती हूं, और मैंने भी उसकी मुखालिफत की थी। गलती हो गई उससे। सबके सामने सरदारी से हटा दिया उसे आपने। अब और सख्ती नहीं करनी चाहिए हमें। बजाहिर जो नजर आ रहा है वो नहीं है हलीमा। बाजार को हासिल करने और हिजरत के पीछे बहुत सी पोशीदा ताकतें हैं। ये आप क्या कह रहे हैं अर्तुरुल? भूखे गीदड़ जमा हो गए हैं। मेरा भाई और वो गाफिल सरदारान खुद को शिकार की तरह पेश कर रहे थे उन्हें। फिलहाल तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन गीदड़ खामोश रहने वाले नहीं हैं। दुंदार को अपनी लापरवाही की पूरी सजा भुगतना पड़ेगी। सब कुछ सहना पड़ेगा उसे। अमीर हजरत, अगर मेरे कबीले में किसी जानवर को भी नुकसान पहुंचे तो उसका जिम्मेदार बच नहीं सकता, और वो अर्तुरुल, उसने मेरे सामने मेरे सिपाहियों को मार दिया। इजाजत दे मुझे कि उसकी लाश के टुकड़े करके चील कव्वों को खिला दूं मैं। तुम्हें अच्छा लगे या फिर बुरा लगे, अर्तुरुल इस सरजमीन का सरदार आला है। अगर सरदार आला के खिलाफ जाओगे तो तुम नुकसान उठाओगे। बहरहाल जो भी हुआ, अब सब्र करो। सब्र के सिवा कोई चारा नहीं। अमीर सादतीन, कोई इतनी जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन हालात में सब्र नामुमकिन है। इजाजत दे मुझे उसे अंजाम तक पहुंचाने की। बहादुर साहब, गुस्सा जब सर चढ़ जाए तो अक्ल काम करना छोड़ देती है। सबसे पहले आपको अपने गुस्से पे काबू पाना होगा। सुल्तान जल्द मुझे कोनिया बुलाने वाले हैं। मेरे जाने के बाद आप क्या करेंगे? अर्तुरुल इस सरजमीन का सरदार आला है, ऐसे में वो आपको यहाँ रहने देगा? इस जमीन पे आबाद होना आपका अर्तुरुल की इजाजत के बगैर मुमकिन नहीं। क्या समझ नहीं रहे आप?
समझ रहा हूं अमीर सादतीन। आला, अब फौरन आप कबीले जाएं, मौजज़ीन को इकट्ठा करें और जिरगा बुलाएं अपने सरदार बनने के लिए। इस तरह अर्तुरुल आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि आप चावदार कबीले के सरदार बन चुके होंगे। जी बिल्कुल, सही फरमाया अमीर सादतीन। इस मसनद पर बैठने के बाद मेरा मकसद सिर्फ एक था, इस कबीले को सुलेमान शाह की बताई हुई रिवायात के मुताबिक आगे लेकर चलूं मैं। अजदाद तो नहीं रहे लेकिन कबीले को मायूस करके नामसाइद हालात में पीछे नहीं हटाया खुद को। और मेरा भाई, मेरे बहादुर भाई ने क्या किया? सरदार के फौत हो जाने पर उसने शहदा की कुर्बानियों को पसे पुश डालकर यहां से भाग जाने की ख्वाहिश की। आप मुझे जो सजा देना चाहे मुझे कबूल है भाई। मैं आप जैसा नहीं हूं भाई, आपकी तरह ताकतवर और बहादुर नहीं। मैं बस यही कर सकता था। काय के बिखर जाने का खौफ था मुझे कि कहीं कबीला तबाह ना हो जाए। बेटा, इस गलती के हम सब कसूरवार हैं। तरफदारी न करें। सरदार की मसनत पर बैठने वाला अपने फैसलों की पूरी जिम्मेदारी उठाता है। तुम्हें हमारे मकसद का आलमबरदार बनना था, कैसे अपने मकसद को भूल गए तुम? आपकी गैर मौजूदगी में सब बिखर रहा था। बाजार की हालत शदीद अबतर थी, लुटेरे काफलों को लूट रहे थे, कुछ भी हमारे बस में नहीं था भाई। जमींदार आरिस बाजार आया था, बाजार ना बेचने पर तिजारत खत्म करने की धमकी दी। अमीर सादतीन ने भी साथ दिया इस मामले में। भाई, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, नहीं था कोई रास्ता। जमींदार आरिस कौन है तुम जानते भी हो? दुंदार, मुझ पर और जंगजुओं पर हमला करने वाला, उन्हें जान से मार देने वाला कातिल है वो। ये क्या कह रहे हो तुम बेटा? उस मलून इंसान ने किया ये? भाई, मुझे कैसे मालूम होता? माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। जो तुम्हें बताया है वो अभी राज रहना चाहिए क्योंकि अभी मुनासिब वक्त नहीं है। हमें सब्र करना होगा, सही वक्त आने पर हर चीज का हिसाब देना होगा उन्हें। ये शर्मिंदगी नाकाबिले बर्दाश्त है भाई। आप हुक्म दें, गलती की तलाफी के लिए उसका सर आपके सामने पेश करूंगा मैं। तुम क्यों उसका सर पेश करोगे? मैं उन्हें अपने साथ रखूंगा जो इस मकसद के लिए लड़ते रहे, लेकिन तुम्हारा इस मकसद से अब कोई ताल्लुक नहीं। हुक्म है मेरा, अपना सामान बांध लो तुम। और फौरन भाई के कबीले वापस चले जाओ, उन्हें बताओ कि अर्तुरुल उनका भाई अभी मौजूद है, ताकि वो भाई के गम से दो चार ना हो। जब तक मैं खुद तुम्हें वापस ना बुलाऊं, खुद से यहां आने की जरूरत ना करना।
अर्तुरुल बेटा। जो हुकुम सरदार। खूनरेज जंग मुंतजर है हमारी, और इस जंग में समझौता करने वालों की और बुजदिलों की गुंजाइश नहीं कोई। कौन हो तुम? तुम मुहाफिज हो? ये किसने आवाज दी? चलकर देखते हैं। अल्लाह का शुक्र है भाई, अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारी हालत बहुत बदतर हो जाती। कबीले के हर शख्स को इस वाकये से सबक सीखना चाहिए। आप हमारे मकसद से कभी पीछे नहीं हटे, हक के रास्ते पर डटे रहे। अल्लाह आप सबसे राजी रहे। अल्लाह आपसे भी राजी हो सरदार, आपका साया हमेशा सलामत रहे। आप पर और आपके सिपाहियों पर हमला करने वालों को अंजाम तक पहुंचाए बगैर हम सब पर सुकून हराम है। हमला करने वाले को जानता हूं मैं। तो हमला करने वाला कौन था भाई? जमींदार एरिस। भाई भाई, हम लोग यहां खड़े इंतजार क्यों कर रहे हैं? हम फौरन हमला करते हैं और उस बदबख्त एरिस का सर कलम कर देते हैं। बुजदिल इंसान भाई, हमें उसके किले पर हमला कर देना चाहिए, इंतकाम लेना चाहिए। निशाने इबरत के तौर पर कारा जैसार किले में उसका सर लटका देते हैं भाई। हमला करने वाले पर उसके हमले से ज्यादा बड़ा हमला करेंगे तुर्कुत। किले का ऐसा हिसार करेंगे कि उसके गुमान में भी नहीं होगा। उसे उसके फरेब, उसकी मुनाफिकत और उसके किले की मजबूत दीवारों के पीछे छुपने नहीं देंगे हम। ये तो कमांडर योर्गो है। कमांडर योर्गो, कमांडर योर्गो, फौरन किले में खबर करो। सुल्तान को मक्तूब के जरिए सब कुछ बताऊंगा मैं। हमले के लिए उनके फरमान का इंतजार करते हुए हम अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेंगे। मगर भाई, आपने उस मलून का सर आज ही कलम क्यों नहीं किया? अमीर सादतीन का इस हमले से ताल्लुक जानना चाहता हूं मैं बमसी। सब कुछ ऐसा ही रहेगा जैसा है। इस दौरान हम अपनी फतह की पूरी तैयारी करेंगे। मुलाकात के लिए किले जाएंगे और दोस्तों की तरह हाथ मिलाएंगे। वहां जाकर किले का अच्छी तरह मुआयना करेंगे, इस तरह उनकी ताकत का सही अंदाजा होगा।
अगर वो किले में रहकर जंग करेंगे तो बादशाह उनके लिए मदद जरूर भेजेगा। महीनों तक मुहासरा करना पड़ेगा, किसी भी तरह करना होगा। ये हम शक में मुब्तला किए बगैर हमलावर होकर उसकी गफलत में शिकस्त देंगे उसे। आप जैसे सरदार के होते हुए दुश्मन की कोई परवाह नहीं और फतह में कोई शुबा नहीं हमें। कोई शक नहीं भाई, कोई शक नहीं। हाँ, मेरा दिल तो अभी से भाई घोड़े की तरह दौड़ रहा है। अल्लाह अल्लाह हमें भी फतह का दिन देखना नसीब फरमाए। बोझल हो गए थे हम आपके ना होने से भाई, लेकिन अब हम जोश जज्बे से बहरामंद हैं। हमारा मकसद निजामे इलाही को दुनिया के हर कोने में राइज करना है। मकसद के हुसूल के लिए हम राह जिहाद में हैं। हुक्म हमारे सुल्तान का, शहादत अल्लाह के लिए। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। इंशाअल्लाह सरदार, हम सब आपके साथ हैं। अर्तुरुल, मेरे बेटे और मेरे कबीले के बारे में कल सरदारान के सामने फैसला सुनाएगा। अब देखना यह है क्या फैसला सुनाता है। वो होता कौन है सरदारान के सामने हमारा फैसला करने वाला? उसने हमारे साथ जो सुलूक किया उसके बाद भी हमारा वहां जाना जरूरी है ना? जाकर हमें उसकी तजलील करनी चाहिए। अभी तुम्हारे पास इतनी अकल नहीं कि इन बातों को समझ सको संजार। अर्तुरुल की तजलील कैसे करनी है तुमसे बेहतर जानता हूं मैं, लेकिन हर काम का एक वक्त होता है। हम सबके सामने अपनी इज्जत खो चुके हैं, यहां तक कि उसने हमारा सिपाही भी मार दिया। मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। संजार, बेवकूफी की बातें मत करो, मसला गंभीर है। इस वक्त हमें अकल से काम लेना चाहिए। अर्तुरुल सरदार कल न सिर्फ तुम्हारा बल्कि हमारे कबीले का भी फैसला करने जा रहे हैं। समझो इस बात को। हमारे लिए उसकी बात मानना जरूरी नहीं है बाबा, उसके हुक्म पर सर क्यों झुकाएंगे हम? कल होने वाले जिरगे के बाद बहादुर साहब इस कबीले के सरदार होंगे। फिर बहादुर साहब अर्तुरुल से जो चाहे अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी फैसला करवा सकते हैं। उससे पहले हर कदम संभल कर रखना है। आह संजार, आह, काश कि मेरी जौजा की तरह थोड़ी भी अकल होती तुम्हें। अर्तुरुल की इस हठधर्मी पर क्या खामोश बैठा रहूंगा? हाँ, उसे अभी जो हुक्म चलाना है चलाने दो, सही वक्त आने पर असल हुक्म मैं सादर करूंगा। अंदर आ सकता हूं बहादुर साहब? आ जाओ गिरजा। असलिहान खातून ने आपको सरदारान के हमरा उताक में मधु किया है। अब क्या करना चाहती है ये मुनाफिक औरत? ये तो जाकर पता चलेगा। तुम हमारे बहुत काम आओगे बदबख्त इंसान, किले का हर राज बताओगे तुम हमें।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए बहादुर साहब। मुअज्जज़ीन से एक मसले पर मशवरा किया है जिसके फैसले से आपको आगाह करना जरूरी था। खैरियत तो है असलेहान खातून, जो मुझे शामिल किए बगैर फैसला भी कर लिया आपने। सरदारी के जिरगे से मुतालिक मुशावरत थी बहादुर साहब। सरदारी के जिरगे को मुअख्खर कर दिया गया है और ये फैसला अर्तुरुल साहब के हुक्म से हुआ। आपके कबीले के यहाँ आने के बाद तमाम मुअज्जज़ीन मुश्तरका तौर पर सरदार का इंतखाब करेंगे। आप ना ही इसकी ताकत और ना ही इख्तियार रखती हैं असलेहान खातून। अर्तुरुल साहब का हर हुक्म मानकर चाबदार कबीले की तजलील से बाज रहिए। अब मजीद मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कल सरदारी के लिए जिरगा मुनक्किद होके रहेगा। सबके सब बुजदिल हैं यहां। क्या हुआ बहादुर साहब? क्या अब भी आप मेरे खिलाफ आना चाहते हैं? क्या मुझ पर भी हमले का इरादा रखते हैं? अपने बेटे और सिपाहियों के साथ मिलकर सरदारे आला पर हमले की खबर सुन चुकी हूं मैं। उन दो सिपाहियों को अपने इश्तियाल की भेंट चढ़ाने के बाद अभी तक यहां मौजूद है कबीले का सरदार बनने की ख्वाहिश के साथ। लेकिन कोई खुशफहमी मत रखिएगा, पहले अर्तुरुल साहब अपना फैसला सुनाएंगे, उसके बाद हम मुशावरत करके अपने सरदार का फैसला करेंगे। हम सरदार के लिए जिरगे का फैसला कर चुके थे। अर्तुरुल को मुदाखलत का कोई हक नहीं पहुंचता। अर्तुरुल साहब सिर्फ सरदार आला नहीं है बहादुर साहब। सरदार अर्तुरुल वो बहादुर है जिसने हमारी कबीले की इज्जत को पामाल होने से बचाया है। हमें इतना मजबूर ना करें कि हमें आप में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े, वरना हार आपकी होगी। सरदार अर्तुरुल के हुक्म पर ही अमल किया जाएगा। जो फैसले की हिमायत नहीं करते वो औताक से जा सकते हैं। एक दिन मैं फैसले करूंगा सारे। मेरा कबीला भी यहीं आबाद होगा जल्द और मैं चावदार कबीले का सरदार बनूंगा। अर्तुरुल के साथ मिलकर मुझसे मेरा यह हक नहीं छीन सकती। तो फिर मुझ पर यकीन रखने वाले मुअज्जज़ीन मेरे साथ आ जाएं और पीछे रहने वाले शर्म से डूब मरे। अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। सुलेमान शाह का बहादुर बेटा, अल्लाह हर एक माँ को तुम जैसी औलाद दे। मुझे माफ कर दीजिएगा वालिदा, वापस आने के बाद आपको बिल्कुल वक्त नहीं दे सका।
मेरी जान तुम पर कुर्बान हो जाए। अर्थरुल, तुम ही हमारी वाहिद उम्मीद हो बेटा। तुम्हारा इस औताक में होना, कबीले वापस आ जाना, यही बहुत है मेरे लिए। ये सब क्या है वालिदा? तुम्हारी, तुंतार की और तुम्हारे भाइयों की पहली टोपियां हैं। इन्हें अपने हाथों से बनाया था मैंने। काश के तुम्हारे भाई भी यहां होते हमारे साथ। और अब दुंदार को भी यहां से भेज रहे हो तुम। टूट सा गया है मेरा दिल। ये सामने हो तो तुम सबके साथ होने का एहसास होता है। वालिदा, दुंदार अभी कम अक्ल है, उसे मजबूत बनना होगा। जरूरी था ये सब। सरदार बनकर जो कुछ उसने किया उसकी कीमत भी उसे ही चुकानी है। दुंदार को अपनी गलतियों से सीखना होगा वालिदा। जब मुझे ये यकीन हो जाएगा तो मैं उसे यहां वापस बुला लूंगा, और जब वो यहां आएगा तो उसे एक अहम जिम्मेदारी देकर मुहिम पर भेजूंगा ताकि वो खुद को साबित कर सके। दुरुस्त कहा तुमने बेटा, अल्लाह हमेशा तुमसे राजी हो। आओ मारिया। मोहतरम, कई रातों से सोए नहीं हैं आप। मुझे डर है कि ये बेखाबी आपको जिंदगी से बेजार ना करते। कुछ देर आराम कर लीजिए। अर्तुरुल वापस आ गया मारिया। एरिस की नींद हराम है, अर्तुरुल की मौत तक सुकून हराम है मुझ पर। वो मनहूस इंसान, ये सब उसी की वजह से हुआ है। मेरा भाई पेट्रो भी उसी की वजह से मरा। रात की तारीखी से ज्यादा खौफनाक है वो मारिया। तुम नहीं जानती वो कितना खतरनाक है। मुझे हर वक्त होशियार रहना होगा मारिया। अर्तुरुल को उसी की तलवार से मारने तक सुकून नहीं मिलेगा मुझे, समझ गई तुम? आप जैसे बहादुर इंसान का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता मेरे आका, अर्तुरुल भी नहीं। दुश्मन आपसे खौफजदा होगा। क्या बात है? जनाब, किले के बाहर से दो सिपाहियों की लाशें मिली हैं। क्या? किसने मारा उन्हें? मालूम नहीं जनाब, कोई सुराग नहीं मिला हमें। क्या मतलब कि तुम्हें मालूम नहीं? नाकारा हो तुम सब। किले का चप्पा चप्पा जान मारो, जिसने ये किया उसे ढूंढ के लाओ। जब तक उसे ढूंढ ना लो वापस मत आना। दफा हो जाओ यहाँ से। जैसा आपका हुक्म। जनाब, अर्तुरुल को अगर मालूम हो गया कि उसके लिए मैंने जाल बिछाया था तो फिर उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। दरवाजा खोलो।
अर्तुरुल के कबीले वापस आने के बाद सुल्तान मुअज्जम मुझे जल्द कोनिया बुला लेंगे। ये सरजमीन इस तरह नहीं छोड़ सकता मैं। कल सुबह सबसे पहले एरिस से मुलाकात करनी है। जो हुक्म आपका अमीर हजरत। सरदार अर्तुरुल ने कल हानली बाजार में तुर्क सरदारान का जिरगा मुनक्किद किया है। महसूस होता है कि वो इंतकाम लेने के लिए हिमायत हासिल करना चाहते हैं। हमें भी अपने हिफाजती इकदामात बढ़ाने की जरूरत है। अर्तुरुल अब खामोश नहीं बैठेगा। वो जरूर हमलावर के बारे में जान जाएगा और उसके बाद सुल्तान की सरपरस्ती में किला फतह कर लेगा। मगर मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। जब उसे पता चलेगा एरिस ने ही उस पर हमला किया था तो उसे पूरी हकीकत मालूम हो जाएगी। एकातरीना की और आपकी। सीधा नहीं है, टेढ़ा है। इतनी कोशिश के बाद भी सीधा ना हुआ, टेढ़ा ही रहा। ऐसा तीर कभी निशाने पे नहीं लगता। तो मजीद वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। अर्तुरुल को अपने साथ मिलाने की पूरी कोशिश कर चुका हूं मैं, लेकिन वो हमेशा मेरा मुखालिफ ही रहा। हर बार उसने मेरी कामयाबी का रास्ता रोका, लेकिन आज के बाद उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुझे जिस किसी के साथ भी इत्तेहाद करना पड़ा करूंगा मैं। इस सरजमीन पर मौजूद ना होते हुए भी उसे उसके अंजाम तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो ये थी मेरी रुदात। गुलामों के ताजिर से जान बचाकर काफिरों के बिछाए हुए जाल उन पर वापस उल्टा कर मैं बाहिफाजत कबीले पहुंच गया। शुक्र है दोबारा तुम्हारे साथ हूं। कितनी मुश्किलात का आपने सामना किया अर्तुर, कैसे कोई इतने जुल्म सह सकता है। अल्लाह की रहमत, अपना नेक मकसद, अपना कबीला, मेरी औलाद और तुम्हारा ये साथ हलीमा, ये सब कुछ हिम्मत देता है अपने मकसद की तकमील के लिए अपने बच्चों के साथ और तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए। जिंदगी दोबारा मिली है हलीमा। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे अर्तुरुल, दोबारा कभी हमसे जुदा ना हुआ। आपके जाने के बाद तो ये कबीला ही उजड़ गया था। जुल्म खत्म हो चुका, अब इस कबीले का सरदार मैं हूं। मुझे खुशी है कि तुम लोगों के साथ हूं मैं। इस खुशी में कल हानली बाजार में ज़ियाफ़त का एहतमाम किया है, तमाम तुर्क सरदारान को मधु किया है। तुम्हें और वालिदा को भी वहां होना है। ज़ियाफ़त का ही कबीले के शाया निशान होनी चाहिए। दोस्त और दुश्मन दोनों को यह दिखा देंगे कि हम पहले की तरह मुस्तहकम हैं यहां पर।
बहादुर को चौकन्ना हो जाए। सिपाहियों, खेल लो इसे। आखिर कौन हो तुम बताओ, या तो अपना चेहरा दिखाओ वरना मेरी तलवार का सामना करो। जल्दी बोलो, वक्त नहीं है। अस्सलामु अलैकुम अर्तुरुल साहब। वालेकुम अस्सलाम अज़ीज। ये शख्स कौन है भाई? क्या खबर है? एक खुशखबरी है आपके लिए, हम पर हमला करने वालों में से एक पकड़ा गया है, काफी कुछ बता सकता है हमें। कहां है वो? मेरे साथ आइए। चलो जंगजुओ, पीछे चलो। ये कौन है अर्तुक भाई? लगता है कि खजर अलैहि सलाम के लश्कर का कोई सिपाही है। मुझे शक है कि अर्तुरुल सब जानता है, शायद रात का वाक्य भी उसी की कारगुजारी हो। एरिस को हमारे सफर के बारे में किसने बताया था? अर्तुरुल को सरदार आला की अलामत बसाते खुद पेश करेंगे, ये सुल्तान का हुक्म है। अगर आपने चावदार को मुत्तहिद ना किया और उनके सरदार ना बन सके तो मेरी नजर में आपकी कोई वक्त नहीं। अर्तुरुल साहब की हाकमियत तस्लीम करें या फिर अपने कबीले के साथ इस सरजमीन से रवाना हो जाएं। इसे सिद्धा पकड़ के लाओ मेरे पास। पकड़ो उसे।